शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। रानी की प्रेगनेंसी रानी की जान भी ले सकती है। डॉक्टर, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? देखिए, बच्चे को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रानी के यूट्रस में एक ट्यूमर है। एक छोटा सा ग्रोथ जो डिलीवरी के वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर, आपका कहने का मतलब ये है कि रानी? हाँ, रानी की जान भी जा सकती है, और ऐसे केस में सर्वाइवल चांस बहुत कम होता है। डॉक्टर, रानी का कोई इलाज? हाँ, अगर हम उसका यूट्रस ही रिमूव कर दें तो रानी की जान बचाई जा सकती है, पर ऐसी हालत में रानी को अपना बच्चा खोना पड़ेगा, और फिर कभी माँ बनने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसलिए रानी ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती। और रानी का दर्द? दर्द तो उसे सहना होगा। मैक्सिमम उसे पेन किलर्स दे सकते हैं, बट दैट इन अ लिमिटेड डोज। रानी को मैंने इस प्रेगनेंसी और डिलीवरी के साथ जुड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, लेकिन फिर भी वो अपने जिद पर अड़ी हुई है। उसने तो मुझसे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहा था, लेकिन आप जब कह रही है कि आपका उसका माँ और बेटी का रिश्ता है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ डॉक्टर, थैंक यू कि आपने ये सारी बातें मुझे बता दी। डॉक्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ रानी को ये मत बताइए कि आपने ये सारी बातें मुझे बता दी है। मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगी, उसको ये भी समझाऊंगी कि उसने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डॉक्टर, आप मेरे रानी का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। डोंट वरी। एक बच्चा तो गया, अब तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो मुझे ही रखना होगा, सिर्फ मुझे। तुम तो मंगेश को जानती हो पूनम। शराब अंदर जाते ही वो इंसान से जानवर बन जाता है। इस मासूम तक को नहीं बख्शता है, पता है? कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं इसे जान से ही ना मार दे। सच कहूं तो सोचती हूँ कहीं इसे लेकर दूर दूर ही भाग जाऊं मैं। देखो पूनम, मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, तो तुम ही कुछ मदद कर सकोगे मेरी। पर सावित्री, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि जब मैं काम पर जाऊं तो इसे यहाँ छोड़ जाऊं तुम्हारे पास, और वापस जाते वक्त ले जाऊंगी ड्यूटी के बाद, है ना? लेकिन सावित्री, ये तो एक अनाथ आश्रम है, ये कोई क्रश तो नहीं है, मैं इसे यहाँ कैसे रख सकती हूँ? मैं जानती हूँ ये क्रश नहीं है, लेकिन इसे क्रश में रखूँ इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। अच्छा, एक काम हो सकता है, मैं मेट्रन से बात करके देखती हूँ, अगर वो हाँ कह दे तो तुम इसे रख सकती हो। तुम मुझे मेट्रन के पास ले चलो, मैं उनके हाथ पैर जोड़ूंगी। ठीक है। देखिए ना, मेरे पति ने मार मार कर इसका क्या हाल कर दिया है, ये चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। हाँ, वैसे भी इसका स्वभाव बहुत शांत है। मैं काम पर जाते समय इसके लंच बॉक्स के साथ इसको यहाँ छोड़ जाऊंगी। आप बस इसे रख लीजिए यहाँ पर, आपका बहुत उपकार होगा। इसे मेरे शराबी पति से बचा लीजिए, दया कीजिए। तुम अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जाया करो। पता नहीं मिडिल क्लास लोगों में त्याग की भावना इतनी क्यों होती है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी की ये कुर्बानी
मेरी जीत का मोहरा होगा। चीना थावर, यू आर ग्रेट। सोचती हो तो दूर का सोचती हो, वेल डन। पर मैं अभी से खुद को इतनी शाबाशी क्यों दे रही हूं? जो मैंने सोचा है वो होगा कैसे? और मुझे जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा। सुनहरा मौका हाथ में आया है, इस मौके को मुट्ठी में तो बंद करना ही होगा, मगर कैसे? शादी करने को तैयार हो गई, वरना मैं, मुझे कोई शौक नहीं है उसकी दुल्हन बनकर बैठने का। पर तुमने तो राजीव को अपनी मर्जी से हाँ कहा था, और जब तुम्हें शादी नहीं करी तो तुमने हाँ ही क्यों की थी? मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी, जहाँ पैसा देखा मेरी आंखें चमकने लगती है। अमीर बकरा है, उससे शादी कर लेती हूँ, फिर डिवोर्स दे दूंगी, 2-3 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, एल्युमिनी में जिंदगी भर बैठ के ऐश करूंगी, वाओ। लेकिन एन वक्त पर पता नहीं वो संजय कहाँ से आके टपक पड़ा, उसने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। संजय? कौन संजय? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ यार वही, उसने जाकर राजीव को बता दिया कि राजीव से पहले मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, और राजीव का ईगो वहाँ हर्ट हुआ और उसने तुम्हें छोड़ दिया। या नाउ व्हाट आर योर प्लान्स? फिलहाल तो प्लान सेलिब्रेट करने का है, फिर देखते कल से फिर किसी दौलतमंद को तलाश करने लगूंगी। मोटा मुर्गा? एब्सोल्युटली। देखा, मेरे साथ रहकर तुम लोग
भी काफी समझदार हो गई हूँ। शहर में रईस जादों की कमी थोड़ी, जो नेहा की नजरों में अटक गया समझो जिंदगी भर के लिए मर गया। What are we waiting for? Let's celebrate! जानती तक नहीं हूँ। सब जान पहचान करने में कितना वक्त लगता है, और वैसे भी मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फायदे की बात करनी है। फायदे की बात? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अगर मैं तुम्हारे जगह पे होती तो फालतू के सवाल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। बैठो तो सही, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। जल्दी बोलो, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी वक्त की कीमत 5 करोड़ रुपए बोली तो तुम्हारे पास वक्त है नहीं? हरी कृष्ण, आज आर्यन का जन्मदिन है। अगर यहां होता तो उसका जन्मदिन हम धूमधाम से मनाते, ये तो नहीं कर पा रहे हम, पर उसकी याद में ये पैसे चैरिटी में दे दीजिएगा। आपसे एक बात पूछनी थी। I mean to say, I want to take your permission. Permission? क्या बात है शीना? मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जो नैरोबी में रहती है, वो अपने बेटे को मुंबई भेजना चाहती है फर्दर स्टडीज के लिए। तो उसने मुझे फोन करके ये कहा था कि उसे कोई एक अच्छे हॉस्टल में रख देना। फिर मैंने सोचा कि why not, she can stay with us and complete her studies. हमारा इतना बड़ा घर है तो हमारे साथ रह सकती है। ऑफ कोर्स अगर तुम नहीं चाहते हो तो। नहीं शीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारा इतना बड़ा घर है तो तुम्हारी फ्रेंड की बेटी हॉस्टल में क्यों रहे? उसे कहो कि अपनी पढ़ाई हमारे घर में रहकर ही पूरी करे, खुशी होगी मुझे। थैंक यू जेडी, सच अ स्वीटर। मैं जानती थी कि आप नहीं नहीं कहेंगे। मैं सीधे एयरपोर्ट जाती हूँ और उसे लेकर सीधे घर वापस आ जाती हूँ। ओके, मैं चलूँ? ये किस लिए? सब बच्चों में बांट देना। आज हमारे आदित्य का बर्थडे है। ओह,
अरे वाह, हैप्पी बर्थडे आदित्य। कैसा है बेबी? बोलो। आजा बेबी, आजा बच्चे, बैठो। डी फॉर सब बच्चों के लिए मिठाई आई है। आज आदित्य का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करो। आजा आदित्य, आजा, हैप्पी बर्थडे करो। आजा, अरे वाह वाह वाह, देखो मिठाई दे। चेहरे पे आप खुशी देख सकती है ना? इनकी दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी, है ना? हमें तो बस एक ही दुआ चाहिए कि हमारा बेटा आर्यन जहां भी हो खुश हो। आज उसका भी बर्थडे है। बच्चा हमारा आर्यन भी इतना बड़ा हो गया होगा ना? लेकिन इसके मुंह पे ये दाग कैसे? इसकी माँ बता रही थी कि इसका बाप इसे बहुत मारता है और इसीलिए यहाँ छोड़कर गई है। सुबह काम पर जाते वक्त छोड़ के जाती है और वापस आते वक्त ले जाती है। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो इस मासूम बच्चे के ऊपर हाथ उठाए? नमस्ते। आज आदित्य का जन्मदिन है, उसकी माँ ने मिठाई भेजी है बच्चों में बांटने के लिए, ये लीजिए। लेकिन इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी, अभी दिखाई नहीं दे रही, लगता है चली गई है। अगर आप दो मिनट पहले आती तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। रानी चले, घर पर भी पूजा है ना? ओके, थैंक यू। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जिस बच्चे के लिए आपने ये पूजा रखवाई है, उस पूजा का फल एवं प्रसाद उस बच्चे को अवश्य मिले, यही हम सबकी प्रार्थना है। भगवान करे हमारा आर्यन जहां भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, हर चीज उसके साथ कुशल और मंगल हो। नमस्ते पंडित जी। अरे आगे बेटा, नमस्कार। अभी अभी पूजा खत्म हुई, ये लो आरती ले लो। बेटा बांटा है बच्चों में मिठाई और कपड़े? हाँ डैड, वहाँ बच्चे बहुत खुश थे, उनके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा।